अभी अपन लोग देखते हैं दैट इज सिलेक्शन टॉगल्स कि हाउ वी कैन मैनेज द सिलेक्शन टॉगल्स। ठीक है, इसके लिए मेरे को एक दूसरी फाइल खोलनी पड़ेगी, तो मैं एक दूसरी फाइल अभी मेरे पास एक ये फाइल खुली हुई है ना, एक वही है, वही साइड प्लान है, बस थोड़ा सा डिटेल्ड है ये, ठीक है ना। और अगर फाइल सी हो तो मांग लेना, दे दूंगा मैं ना। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक साइड में ऊपर की तरफ एक डैश लाइन चल रही है पूरे हमारी साइट के आसपास, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर हल्का सा कर्सर रखोगे ना, ठीक है, तो ये आपको अभी इस पर टूल टिप बता नहीं रहा, मैंने बंद कर रखा है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी क्या है, एक साइट का पूरा प्लान है, ठीक है ना, एक रिवेट लिंक है, ठीक है ना। ये क्या है, पूरा का पूरा एक रिवेट लिंक है। अभी देखो अब आ गया वो, मैंने कुछ ऑन किया था, बताता हूँ क्या ऑन किया था मैंने, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर टूल टिप रखने बता रहा है आरवीटी लिंक, लिंक्ड रिवेट मॉडल, और फिर बता रहा है उस फाइल का नाम, अरे रुक जा मेरे भाई, वो फाइल का नाम बता रहा है समथिंग बिल्डिंग साइट डॉट आरवीटी, ठीक है। कोई एक फाइल है कहीं पड़ी हुई है और वो इससे लिंक है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था रिवेट एक बिम सॉफ्टवेयर है, तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा मॉडल किसी एक ऑटोकैड की फाइल या किसी रिवेट की फाइल के साथ लिंक हो। मतलब कि अगर उस फाइल में आपके किसी रिमोट लोकेशन पे, आपके कंप्यूटर पे कोई इंसान एक विंडो भी चेंज करता है, तो वो इस ड्राइंग के अंदर भी चेंज होगी, है ना, उसको हम लिंकिंग कहते हैं। तो वहां पे क्या है, हमारा ये अभी लिंक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूं तो मेरा ये पूरा का पूरा जो मेरा बाउंड्री लाइन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसको मूव भी कर सकता हूँ इधर उधर, पर मैं चाहूंगा नहीं कि मैं इसको मूव करूं, क्योंकि कभी भी साइट जो होगी वो मूव नहीं होगी। बिल्डिंग मूव हो सकती है आपकी साइट पे, पर साइट वोंट मूव। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन टॉगल्स, कौन सी चीज को सेलेक्ट करना है, कौन सी चीज को सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन करना हमने देख लिया है ना। अब कभी क्या होगा ना, जब आपकी ड्रॉइंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना, तो भीड़ भाड़ में हर कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, हर कुछ इन द सेंस कुछ भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सीडेंटली कुछ चीज सेलेक्ट ना हो, उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन टॉगल्स होता है। सिलेक्शन टॉगल्स आते हैं यहाँ राइट में, बॉटम में। यहाँ आप देखो पहला आता है हमारे पास सेलेक्ट लिंक्स, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया। अगर मैंने सेलेक्ट लिंक अभी क्या है मेरा ऑन है, ठीक है, इसको एक करने का और तरीका होता है, यही आर्किटेक्चर पैनल में मॉडिफाई के नीचे एक सेलेक्ट बटन आती है, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है सेलेक्ट लिंक। अभी सेलेक्ट लिंक पे चेकबॉक्स है, मतलब मैं लिंक्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ, पर हम कोशिश करते हैं कि हम लिंक्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे। सर लिंक्स कैसे बनाते हैं, कैसे हम किसी फाइल को लिंक करते हैं, रुको जरा, अपन आगे देखेंगे लेक्चर्स में, ठीक है ना। एक ही दिन एक ही चीज में अपन एक ही बार में सारी चीजें नहीं बढ़ा सकते। तो अभी के लिए मैं इस लिंक को यहाँ से बंद कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा एक लाल कलर का क्रॉस आ जाता है, आप देखना, ठीक है ना, मोबाइल पे देख रहे हो तो शायद थोड़ा ध्यान से अच्छे से दिखे नहीं, तो यहाँ पे एक क्रॉस आ जाएगा। आप यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है, वो क्रॉस हट गया, नीचे हटाओगे तो क्रॉस चला जाए, ठीक है ना, इट इज लाइक दैट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करता हूँ, उसके जस्ट पास में एक और ऑप्शन आ रहा है, दैट इज सेलेक्ट अंडरले ऑब्जेक्ट्स। अंडरले ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे नीचे ये जो सिंक वगैरह है ये सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट्स को ऑफ कर सकते हैं। सर अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, आएगा आगे, पर यहाँ पे हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हम इसको बंद कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये क्रॉस हो जाएगा, दैट मीन्स अब मेरे ये नीचे की तरफ जो भी सिंक वगैरह ना ये सेलेक्ट नहीं होंगे, भले मैं चेकबॉक्स बनाऊं या सिंपल बॉक्स बनाऊं, कुछ भी करूं, क्लिक करूं, ये सेलेक्ट नहीं होंगे, वो लॉक हो चुके हैं। हाँ, अब मेरे को इसके ऊपर जो चीजें अल्टर करनी है वो मैं कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, नीचे की चीजें चेंज नहीं होगी। तो इसका इट्स लाइक एन फ्रीजिंग थिंग, अपन जैसे चीजों को फ्रीज करते हैं ना वैसा। अब पर्टिकुलर एक एलिमेंट और उसकी कैटेगरी को भी फ्रीज कर सकते हो या हाइड कर सकते हो, वो सारी चीज मैं आगे बताऊंगा, पर एक अंडरलाइन ऑब्जेक्ट का भी तरीका आता है। उसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज पिन ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट पिन एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे ये ग्रिड लाइन है, अभी मैं ग्रिड लाइन को सेलेक्ट नहीं कर सकता बिल्कुल, क्योंकि ग्रिड लाइन क्या फिक्स है। लेट से मैं यहाँ जाकर इस पिन को हटाता हूँ और अब मैं जाके ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखो ग्रिड लाइन के आगे एक पिन लगी हुई है, दैट मींस ये पिन है। पिन करना मतलब क्या, किसी चीज को फिक्स कर देना एक जगह पर, ये फिक्स है। अगर मैं इसका पिन हटा दूं और मेरे पास बाय डिफॉल्ट मूव का कर्सर आ जाता है, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ इधर उधर कहीं भी, पर ग्रिड लाइन को हम कभी भी मूव करते नहीं है। ग्रिड लाइन एक बार फाइनलाइज हो जाती है, हो जाती है, तो मैं इसको पिन करूंगा तो पिन कर दूंगा, ठीक है, अब ये मूव नहीं हो सकती। और मैं यहाँ पे नीचे जाके अगर सेलेक्ट पिन टॉगल्स को बंद कर दूंगा तो मैं इनको सेलेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है चीजों को पिन करना, जिसको आप बिल्कुल नहीं खिसकाना चाहते। जैसे सेक्शंस हो गए, आप उनको नहीं खिसकाना चाहते, आप ग्रिड लाइंस को नहीं खिसकाना चाहते, आप ऐसे कोई एलिमेंट्स है जिनकी डिजाइन फिक्स हो चुकी है, लेट्स से फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हो, फर्स्ट फ्लोर की कुछ चीजें जैसे कुछ रूम्स है वो फाइनल हो चुके हैं, वो अब फिक्स नहीं होने, तो आप उनको पिन कर सकते हो, ठीक है ना, अगर वो पिन कर सकते हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं गाइस सिलेक्शन टॉगल्स। ये हमारे पास तीन सिलेक्शन है, बाकी के आपके इतने कोई यूज नहीं आएंगे, एक सेम वो फिल्टर वाला ही है, ठीक है। और आप यहाँ ऊपर सेलेक्ट में जाके यहाँ से भी चीजों को कर सकते हो। मेरा काम आना स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इनको एक बार भले ऑन रख देना सारी चीजों को, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इन चीजों को सेलेक्ट करना, ठीक है ना, हम धीरे धीरे देखेंगे कैसे कैसे हम चीजों को देखेंगे और यूज करेंगे, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट दैट इज सिलेक्शन टॉगल्स, ठीक है। लगे आज मैं तुमको ये लास्ट चीज भी बताई देता हूँ, दैट इज सिलेक्शन टॉगल के साथ साथ में
रिवेट ऑप्शंस, ठीक है ना, अलग अपन नहीं करते, इसी में कर लेते हैं। रिवेट के ऑप्शंस क्या क्या हैं, मतलब रिवेट में कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं वो हम देखते हैं एक बार हाल फिलहाल के। तो उसके लिए क्या है ना, आपको कोई फाइल ओपन हो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप फाइल को क्लोज भी कर सकते हो। तो मैं आप ऊपर जाके एक बार मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं कोई सेव नहीं करना, मैं इसको नो कर देता हूँ। तो मैं मेरी यही सेम जो अपने पुरानी विंडो इस पर आ जाएंगे। यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन के आइकन पे जाओगे तो नीचे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑप्शंस, ठीक है, इसको हटाओ। आप रिवर्ट पे क्लिक किया, यहाँ आया ऑप्शंस, आप ऑप्शंस पे क्लिक करो तो आपके पास एक नई विंडो आ जाएगी, ठीक है ना, जैसे हमेशा हमारे पास आती है। ओके, फटाफट फटाफट हम इसको देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा हमारा जनरल ऑप्शन, जनरल में आ रहा सेव रिमाइंडर इंटरवल। अगर आप 30 मिनट तक इस पे काम करे जा रहे हो तो 30 मिनट बाद ये क्या करेगा, आपको एक रिमाइंडर देगा कि भाई आपको प्रोजेक्ट सेव करना है, ठीक है, और कोशिश करना कि इसको आप आपके हिसाब से सेट कर लेना। 15 मिनट 30 मिनट आप कितना काम करते हो, कितनी देर कंप्यूटर पर बैठते हो उस हिसाब से। और अगर आपको कंट्रोल एस करने की आदत है, दैट इज सेव करने की आदत है कंट्रोल प्लस एस, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं तो करते रहना क्योंकि ये मशीनें होती है कब धोखा देते पता नहीं, ठीक है, तो चीजों को सेव करते हुए चलना। नीचे सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल रिमाइंडर इंटरवल, सेंट्रल रिमाइंडर इंटरवल मतलब अभी मैंने तुमको बताया था, हम लोग रिवर्ट लिंक करते हैं किसी फाइल से लिंक करते हैं तो एक सेंट्रल फाइल होती है जिससे हमारे बहुत बार फाइल लिंक होती है, उससे भी पूछता है। यहाँ पे आपका यूजर नेम आएगा, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम वही होगा जो आपके पीसी का नेम है, ठीक है, तो यू कैन डू इट। ओके, सो तो आपका जो भी बाय डिफॉल्ट सिस्टम का नाम होगा वो यहाँ आ जाएगा। अगर आपके पास ऑटोडेस्क 360 का कोई अकाउंट है ना, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे, अगर आपने उससे खरीद रखा है इसको या समथिंग लाइक दिस, तो आपका यहाँ पे वो पूरा नाम आ जाएगा। और बाकी आपके पास क्या, एक यूजर इंटरफेस आता है यहाँ पे। यूजर इंटरफेस देखो, मैंने अपना, अपन लोग जो रिवर्ट यूज कर रहे हैं ना, वो एक मतलब पूरा पैकेट है, पूरा बड़ा वाला है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर भी है, सिस्टम्स भी है, मतलब प्लम्बिंग वगैरह भी है और स्ट्रक्चरल एनालिसिस का काम भी है। अगर आप लोगों ने वो रिवर्ट डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो प्लीज, अभी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप सिर्फ आर्किटेक्चर से काम चलाते हो, पर अगर आपको रिवर्ट का पूरा फायदा उठाना है तो आपको स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स का टैब भी आपका होना चाहिए। अगर सिस्टम और स्ट्रक्चर का टैब नहीं है, इसका मतलब आप रिवर्ट आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो या नहीं तो आप रिवर्ट एलटी यूज कर रहे हो, ठीक है, वो काम चल जाएगा अभी अपनी इस ट्रेनिंग में। पर अगर आप स्ट्रक्चर भी करना चाहते हो रिवर्ट में और प्लम्बिंग वगैरह इलेक्ट्रिक वगैरह भी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये चाहिए। तो आपके हमारे यहाँ पे सारे टैब्स आते हैं। अगर हाल फिलहाल के लिए आपको स्ट्रक्चर का टैब नहीं चाहिए तो आप स्ट्रक्चर पे राइट क्लिक करके उसको ओके कर देना, तो वो हट जाएगा, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं रहने दूंगा। यहाँ पे इसकी कुछ थीम्स आती है, एक्टिव थीम्स, डार्क एंड लाइट थीम्स। अगर मैं डार्क पर क्लिक करके मैं ओके करूंगा तो मेरे पास थोड़ी सी डार्क थीम आ गई, ठीक है। फिर से ऑप्शंस में जाके, यूजर इंटरफेस में जाके लाइट लेना तो लाइट ले सकते हैं, ठीक है ना, जैसा भी आपको करना है। यहाँ पे एक डबल क्लिक ऑप्शन है, आप डबल क्लिक ऑप्शन देख सकते हो कि अगर आप फैमिली पर डबल बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो फैमिली एडिट हो जाएगी एंड ऑल दैट। आप इन चीजों को ऐसा कैसा रहना, तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ग्राफिक्स में जाके देख लेना कि आपका ग्राफिक्स कैसा है। यहाँ पे जैसे मेरा बता रहा है कि NVIDIA GeForce 920 MX has not been tested with Revit, बोल रहा Revit के साथ टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा थोड़ा अभी नया लैपटॉप है और ये Revit 2017 थोड़ा पुराना है, ठीक है, तो इस हिसाब से हो सकता है डिटेक्ट नहीं कर रहा, पर उसकी कोई टेंशन नहीं आपको। बस आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो यहाँ पे रखनी है, दैट इज यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन। बाय डिफॉल्ट ये राइट रहता है, पर अगर आपके सिस्टम में कहीं कुछ दिक्कत आई, ठीक है, तो आप समझ जाना ये जो हार्डवेयर एक्सेलरेशन है इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। मतलब लेट्स आपके ग्राफिक्स फट रहे हैं या अच्छे से जूम नहीं हो रहे, ब्लर हो रहे, कुछ व्हाइट एंड ब्लैक टाइप का कुछ ब्लर सिस्टम आ रहा, तो आप इस राइट को यहाँ से हटा देना और आप फिर सिस्टम को यूज करना, ठीक है। यहाँ पे फाइल लोकेशंस आती है, जैसे हमने देखा था ये पिछली बार की कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट, मैकेनिकल टेम्पलेट, टेम्पलेट होती है, देन टेम्पलेट की लोकेशंस क्या है, एक्चुअल में है कहाँ। तो बाद में मैं जब तुमको फैमिली ऐड करना सिखाऊंगा ना, जैसे डोर की फैमिली पूरी की पूरी, विंडो की फैमिली, तो हम उसको भी यहाँ पे डालेंगे, वो जो भी फाइल जहाँ पड़ी होगी हम उसका लिंक यहाँ पे डाल देंगे, तो इस हिसाब से हमारा रिवर्ट खुद ब खुद इस चीज को पकड़ेगा। नीचे डिफॉल्ट यूजर फाइल्स यहाँ पे अगर आप कंट्रोल एस करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट जैसे मेरे इस केस में डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करेगा, और बाकी फैमिली टेम्पलेट्स है तो उनको फैमिली में, और पॉइंट क्लाउड मतलब क्लाउड की फाइल्स होती है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ ऑप्शंस कुछ ऐसी चीज होती है, आप एक बार सेट करोगे उसके बाद आप भूल जाओगे, ठीक है ना, इसको बार बार छेड़ना नहीं है, ठीक है, तो आप छेड़ोगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स होगी। तो मेरे कहने का मतलब है आप लोग देख लो आपके हिसाब से चीजों को जैसे सेट करना वैसे कर लो और उसके बाद इसको छोड़ दो। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, ठीक है।